وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى। ऐ रसूल, अल्लाह आपको अता करेगा। وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, सौफ़ा जो लफ्ज़ है ये बता रहा है कि मुस्तकबिल बईद की बात हो रही है, क्योंकि अगर सयौती का होता, सीन लगा हुआ होता, तो मुस्तकबिल करीब की बात होती। सौफ़ा यौती का मतलब है बाद में देगा, देर से देगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये जो मकाम एता है, इसका ताल्लुक चूँकि मैदान हश्र से है, मैदान क़यामत से है, इसलिए लफ्ज़ सौफ़ा लगा हुआ है। और सीन और सौफ़ा का फ़र्क यही है कि सीन अरबी ज़बान में मुस्तकबिल करीब के लिए आता है और सौफ़ा मुस्तकबिल बईद के लिए आता है। वाला सौफ़ा युती का रब का फतरदा, अल्लाह आपको अता करेगा। पूरी तवज्जो चारों, इतना अता करेगा कि फतरदा, आप खुश हो जाएंगे, आप राज़ी हो जाएंगे। अब ये क्या चीज़ देने की बात हो रही है जो रसूल की खुशी का सबब बन जाएगी? दुनिया में अगर किसी को कुछ दिया जाए, पूरी तवज्जो चारों, इस बड़े हाइज़ अहमियत नुक्ते की तरफ इशारा करने लगा हूँ। दुनिया में फ़र्ज़ कीजिए मैं गुनाहगार हूँ, खाती हूँ, आसी हूँ, आपने मुझे दुनिया से मरबूत कोई चीज़ दी, एक ऐसा तोहफ़ा दिया जिसका ताल्लुक दुनिया से था, मैं चूँकि दुनियादार बंदा हूँ, चूँकि गर्क दर दुनिया हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। मसलन फ़लाना साहब ने मुझे कोई, मसलन अभी छोटी मिसालें हैं, मुनासिब भी नहीं, लेकिन अपने लिए पेश कर रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। किसी ने मोबाइल तोहफे में दिया, मैं बड़ा खुश होऊंगा, भाई इन साहब ने मुझे मोबाइल दिया, क्योंकि मैं दुनिया में गर्क हूँ। किसी ने मुझे छोटी मोटी कोई कार या कोई मोटरसाइकिल तोहफे में दे दी, मैं कहूँगा बड़ा जो है ममनून और मशकूर, बहुत खुश होऊंगा मैं। मेरी खुशी का बायस बन जाएगी क्या चीज़? वो कार, वो मोबाइल, वो दुनिया वाली शायद। अब बात हो रही है रसूल को खुश करने की, बड़ी तवज्जो चार, और उस रसूल को खुश करने की बात हो रही है जिसके सामने दुनिया भर की नेमतें रखी गई, ठुकरा दिया, कहा कि इस दीन से दस्तबरदार हो जाओ, हम तुम्हें जजीरा अरब की हसीन तरीन लड़की, उंगली से इशारा तुमने करना है, खिदमत में लाके हमने रखना है, पैसा दिरहम और दिनार चाहिए, हम देने को तैयार हैं, बस इस खुदा से हाथ उठा लो। रसूल ने उठाया हाथ? नहीं उठाया। कहा तुम आफ्ताब और महताब भी ला कर रख दो, मैं इस ला इलाहा इल्लल्लाह से दस्तबरदार होने को तैयार। तो ऐसा रसूल जिसको दुनिया की कोई लालच मुतासर नहीं कर सकती, तो आवाज़ बुलंद सलावात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कोई चीज दुनिया की उसे मुतासर न कर सकी। उस रसूल को खुश करने की बात हो रही जो दावत ही आखिरत की देने आया है, जिसके वसी बरहक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मौला कूनु मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत वाले बनो, वला तकूनु मिन अबना दुनिया, दुनिया वाले मत बनो। जिसके वसी का ये कलेमा है, जिसके वसी की ये बात है, तो यकीनन रसूल अल्लाह का भी यही फरमान होगा कि आखिरत वाले बनो, दुनिया वाले। अब वो कौन सी चीज है जो रजाए रसूल का बाइस बन रही है? बड़ी तवज्जो चारों, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि हम आपको देंगे तो आप खुश हो जाएंगे? वो रसूल जिसकी खुशी यकीनन अल्लाह की भी खुशी है, वो रसूल जिसकी खुशी जो है वो मर्जी इलाही के ऐन मुताबिक है, वो रसूल जिसकी खुशी मशीयत और इरादा इलाही के भी ऐन मुताबिक है। या रसूल अल्लाह, हम आपको देंगे बरोज हशर, क्या देंगे? मैं अर्ज करूंगा, थोड़ा सा इस तजस्सुस को मैं बाकी रखना चाह रहा हूं ताकि कुछ बातें आप लोगों के लिए वाजह कर दूं। रसूल को जहां अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, वही रसूल को मुनजिर भी बनाया है, डराने वाला भी बनाया है। सूरह यासीन की आयतें आपके अजहान मुबारक में हैं, यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजील अल अजीज रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम, आपको डराने के लिए भेजा ऐसी कौम को जिनके बड़े भी नहीं सुधरे थे, गाफिल लोग थे। लक़द हक़्क़त अलैहिमुल क़ौल, उन पर अजाब इलाही पक्का हो चुका है, वादा अजाब इलाही कन्फर्म है, अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं।
इन लोगों ने सुधरना नहीं है, ला युमिनून ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इला अज़क़ानिहिम फ़हुम मुक़महून, इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए, सर ऊपर को उठे उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो वजूहात मेरी तरफ हैं, रसूल को बताया जा रहा है रसूल क्या करने आए हैं, ऐसी कौम को सुधारने आए जो बिल्कुल सुधरने वाली। सवाउन अलैहिम, एक आयत को छोड़ते हो, सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, आप इन्हें डराएं ना डराएं बात बराबर है, लोग सुधरने वाली, ख़तरनाक कौम, लेकिन भेजा रसूल को इन्हें डराना है। और रहमत भी किसके लिए बनाकर भेजा, आलमीन के लिए, आलमीन में ये कौम भी है। रसूल को मरहले इंतजार पर भी रखा डराने के लिए भी, और रसूल को रहमतुल आलमीन भी बनाया, हादी उम्मत भी बनाया, बशीर भी बनाया और नज़ीर भी बनाया, दोनों शोबे रसूल को दे दिए। अब समझिएगा रजायत रसूल किसमें है, उम्मत के लोग मायूस हो जाए इसमें है, या उनको उम्मीद की किरण नजर आए इसमें है। पूरी तवज्जो चारों में तमहीद मुकम्मल होने लगी है। उम्मत को मायूस कर देने में रसूल की रिसालत कामयाब होती है, या उम्मत को उम्मीद दिलाने में, यकीनन उम्मीद दिलाने में अगर सबको मायूस कर दिया जाए, इसीलिए पूछा गया वो कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है। उलमा ने लिखा ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ये वाली आयत, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत हो। मासूम से पूछा गया गुनाहाने कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान रहमत इलाही से ना उम्मीद हो जाए। लेकिन जब पूछा गया मौला कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है जिसको पढ़कर मर्द मोमिन उम्मीद से सरचार हो जाता है, तो फरमाया इंदना अहलल बैत, हम अहले बैत के पास ये आयत, वला सौफ युती का रब्बो का फतरजा, ए रसूल अल्लाह आपको इतना अता करेगा आप खुश हो जाएंगे, ये वो आयत है जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है। या यबना रसूल अल्लाह, ए फरजंद रसूल, वो कैसे का यहां पर मकाम शफावत का वादा हो रहा। यहां पर तवज्जुहात मेरी तरफ रहे, यहां बात किस चीज की हो रही है, मकाम शफाअत की बात हो रही है। अब थोड़ा सा अपने नौजवान दोस्तों के लिए, जाहिर है हमारे बुजुर्ग हजरात जो यहां बैठे हुए तशरीफ फरमा है उनके सामने ये जिसारत ही कहलाएगी, मैं अपना सबक उनके सामने दोहरा रहा हूँ, और नौजवान दोस्तों की मालूमात में इजाफा करने के लिए, अपनी भी तकरार के लिए, अद्दर्स हरफुन व तकरार अल्फुन, इन जुमलों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शफाअत किसे कहते हैं? शफाअत की तारीफ मुफरदात रागिब इस्फहानी फखरुद्दीन तुरही साहब ने मजमुअल बहरैन में और दीगर उलमा इन लुगत ने लिखा कि शफाअत यह है कि कोई बड़ा छोटे को अपने साथ जम कर ले, इसे शफाअत कहते हैं। कभी मसलन मिसाल दे रहा हूँ, अवामाना मिसालें, आमियाना मिसालें, ताकि हर एक के लिए बात वाज हो जाए। किसी जगह किसी बड़ी तकरीब में जहाँ बड़े बड़े VIPs को बुलाया गया है, जहाँ हम जैसे छोटों को दखूल की इजाज़त नहीं, दाखिल होने की इजाज़त नहीं, वहाँ किसी बड़े से मेरी दोस्ती थी, वो अंदर जा रहे थे, मैंने कहा सरकार हमें भी ले जाइए। मैंने कहा मसले नहीं, मेरे साथ रहो। उनके साथ मैं भी घुस गया तकरीब में। इसी को शफाअत कहते हैं। इससे आसान नहीं हो सकती शफाअत कि जो बड़ा था उसने छोटे को अपने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने रोका भाई कौन है ये, कहीं मेरे साथ है। वाह 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 वाह। ये नहीं पूछा कि इसका हसब क्या है, ये नहीं पूछा कि करेक्टर क्या है, ये नहीं पूछा कि कौन से एरिए का, ये नहीं पूछा कि कितना गुनहगार है, यानी हिसाब किताब की बात तो है ही नहीं, बस सिर्फ इतना है कहाँ उनके साथ है, जाने दो। इससे ज्यादा शफाअत को मैं आसान, एक फिरका है जो हमारा माजी है, उसको भी कभी कभार पढ़ना चाहिए, कुछ चीजें वाजे होती हैं। उसने ये अकीदा बनाया, बोला जितने गुनाहगार हैं सब काफिर की नस्ल है, जो भी गुनाह कर दे इनकी निगाह में काफिर हो जाता है। इस फिरके का नाम है फिरके वईदिया। ये वईदिया सिर्फ जहन्नम इसको याद है, जन्नत की कोई चीज को नजर नहीं आती। ये लोग कहते हैं जिधर शराब पी किसी ने, बस ये ईमान से खारिज, सीधा जहन्नमी। जिधर औरत का हिजाब उतरा, बस सीधा जहन्नमी। जिधर नमाज छोड़ी, सीधा जहन्नमी। जिधर जो है ना गीबत की, सीधा जहन्नमी। बस आप गुनाह बताते जाइए, इनसे जहन्नम का फतवा।
तो इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप शफाअत की तर्जुमानी कैसे करते हैं, शफाअत को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, शफाअत आपकी निगाह में क्या तारीफ रखती है, जब आपने सभी को जो है बिना हिसाब किताब के जहन्नम में फेंक दिया, जिससे गलती हुई, इंसान तो है ही महल साहब व निसियान, गलती तो उसी से होती है, इधर गलती की आपने उसका बोरिया बिस्तर गोल किया, कचीदा जहन्नम में जाओ भाई, तुम्हारी जन्नत की गुंजाइश नहीं, तो शफाअत किसके लिए? कहने लगे शफाअत का मतलब ये है दरजात में बुलंदी। तो अपने नौजवान दोस्तों के लिए एक और जुमला यहाँ पर ऐड कर दूँ ताकि ये अल्फाज भी उनके जहन में आ जाए, जन्नत के जो मरहले हैं स्टेप्स, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन स्टेप्स को अरबी में दरजात कहा जाता है। और जो जहन्नम के स्टेप्स हैं, भाई जहन्नम में भी स्टेप्स हैं, जो दुश्मन ज़हरा है वो सबसे आखिरी, ताबूत के अंदर गड़ा हुआ होगा, उससे ज़्यादा अजाब किसी पर नहीं होगा, दुश्मन ज़हरा कायनात का सबसे मलऊन तरीन इंसान वहाँ पर होगा आखिरी। उन स्टेप्स को जो जहन्नम के हैं दरकात कहते हैं, काफ के साथ, डंडी वाला काफ, जहन्नम के स्टेप्स को क्या कहते हैं? दरकात। और जन्नत के स्टेप्स को, तो ये जो फ़िरक़े वादिया है ये डायरेक्ट दरकात में भेजता है। और शफाअत की जब बात आती है तो कहते हैं शफाअत तो सिर्फ मोमिनों के लिए जो सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें, उनका ये होगा कि नीचे वाले दर्जे से उठाकर ऊपर वाले दर्जे पर बुला लिया। हमारे उलमा ने ये लिखा कि मजहब शिया इसना अशरिया का शफाअत के हवाले से ये अकीदा नहीं है कि सिर्फ दरजात में बुलंदी होगी, बल्कि हम शफाअत के इस अकीदे को मानते हैं कि जहन्नम में भी अगर कोई गिरा हुआ हो और हुसैन की रहमत शामिल हाल हो जाए तो उसे निकाल दिया जाए। बड़ी तवज्जो, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد जुहाद मेरी तरफ है। तो हम शफाअत के इस कॉन्सेप्ट के कायल नहीं है कि सिर्फ जन्नतियों को शफाअत मिलेगी, बल्कि जो गुनाहगार होगा, जो आसी होगा, जो खाती होगा, इसीलिए रसूल ने फरमाया इद्दखर तो शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैंने अपनी शफाअत को संभाल कर रखा है उम्मत के उन गुनाहगारों के लिए जो गुनाहान कबीरा अंजाम देते थे। लेकिन अगर अकीदा ठीक हुआ, यहाँ से अकीदे की अहमियत पता चलती है, अकीदा ठीक हुआ, कभी उसने हमारे मामलात में, कभी उसने हमारे रब के मामलात में न तौहीद को छेड़ा, न अदल को छेड़ा, न नबुवत को छेड़ा, न इमामत में कोई कमी बेशी की, न माद के अकीदे में कोई ख़राबी की, उसूल दीन उसके ठीक थे, और फुरूई मामलात में सहवन निस्यानन दुनिया में लग कर गफलत का शिकार होकर अगर गुनाह का शिकार हो गया तो हम इसे बचाएंगे, उसके बंदोबस्त हैं, उसका पूरा एक सिलसिला है, बुखार में इसको रखेंगे, ऐसा तड़पाएंगे सारे गुनाह इसके बदन से धुल जाएंगे, बुखार, एक बुखार गुनाहों के चले जाने का बाइस है। बहुत बड़ा और गुनाहगार हुआ तो कहा फिशार कब्र, कब्र में उसको ऐसा कब्र दबाएगी कि सारे गुनाह उसके ख़त्म हो जाएंगे, इससे भी ज़्यादा हुआ तो मज़ीद कब्र ही में उसके साथ फरिश्ते कुछ कोड़े वोड़े लगा के चलो भाई तुम जन्नत में जाओ, यानी जहाँ तक मुमकिन है उसको जो है किसी न किसी तरीके से जहन्नम से बचाया जाएगा। बहुत बड़ा कोई गुनाहगार हुआ कि जहन्नम में जाना ही जाना है, चूँकि अकीदा ठीक है, गुनाह किए थे जहन्नम में तो जाना पड़ेगा, यानी कुछ लोग होते हैं गुनाहान कबीरा की जो लिस्ट है उसको भी क्रॉस कर जाते, सारी रेड लाइन क्रॉस हैं। मौलाना ने कहा अगर अकीदा ठीक था 300 साल, 3 सदियां भी जहन्नम में रहा एंड में निकाल लेंगे उसको हम। इसीलिए कहा जाता है कि शिया अली इब्न अबी तालिब का इख्तिताम जन्नत पर है, अगर अकीदा ठीक हो, बड़े से बड़ा गुनहगार हो। लेकिन ख़तरनाक जो चीज़ है,
आप मिसालें जानते हैं, मैं अर्ज़ नहीं करूँगा, वक्त भी मेरे पास नहीं है। इंसान गुनाहों में लग कर बसा औकात ये करने लगता है कि आले मोहम्मद की शान में कमी करने लग जाता है। अगर यहाँ आ गया, फिर ये पटरी से जब उतरा, इनहराफ का शिकार हुआ गुनाहों की वजह से, गुनाहों से जो दूर रखने का एक बड़ा फलसफा है वो ये है, कहीं ऐसा ना हो तुम गुनाहों में लग कर इन बदबख्तियों का शिकार होकर आले मोहम्मद से दूर हो जाओ, मोहम्मद और आले मोहम्मद की फजीलतों में कमी करने लग जाओ, इनके मसाइब के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाओ। और ऐसे हमने देखे दुनिया में 2500 लोग हैं जो मुनहरिफ हुए, आज भी मौजूद हैं, गुज़श्ता सदियों में भी रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ने, तमीद मेरी मुकम्मल हो गई, अब गुफ्तगू यहां से आगे बढ़ रही है, अपने रसूल को आखिरत में खुश करने के लिए क्या दिया? मकाम शफाअत। इतना मकाम शफाअत के रसूल राजी हो जाए, आखिरत बाकी है, आखिरत को फना नहीं, हम फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे, खलखी बका के लिए किया गया है। तो जहां बाकी आलम है, जो बाकी दुनिया है जिसे कहा जाए, हम आज की जबान में अगर मैं कहूं, अगर चे ताबीर दुरुस्त नहीं है, वहां के लिए दुनिया की ताबीर वो उलिया है इस दुनिया के मुकाबले में, अगर वो जो बाकी और उलिया जो मकाम है, जो जन्नत है, वहां के लिए रसूल को मकाम शफाअत दिया गया, तो क्या इस दुनिया में रसूल को खुश करने के लिए अल्लाह ने कुछ नहीं किया होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, रसूल की खुशी की खातिर आखिरत में शफाअत दे दी, दुनिया में क्या किया? बहुत सारी चीजें, मैं एक चीज अर्ज करने लगा हूं, दुनिया में रसूल को खुश करने के लिए कई कई मकामात पे अल्लाह ने अमली काम किए हैं, प्रैक्टिकली काम किए। एक मिसाल, मुशरिकीन मक्का, नसारा यहूद आते थे और आकर रसूल को ताने दिया करते थे, कैसा इस्लाम, कहाँ का इस्लाम, कौन सा दीन, कैसा दीन, नमाज तो तुम हमारे क़िबले की तरफ रुक करके पढ़ते हो, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। ये ताना वो था जिससे रसूल को अजियत होती थी, लेकिन चूंकि जब तक अम्र इलाही है, रसूल भी मुतीअ है अल्लाह का। पूरी तवज्जो चारों इस नुक्ते पे खास तवज्जो, जब तक अम्र इलाही है कि नमाज होगी बैतुल मुकद्दस तक, तो रसूल ने भी बैतुल मुकद्दस तक नमाज पढ़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दुआ छोड़ दी। सूरह बकरा, कद नरा तकल्लुब वजहक फिस समा, रसूल हम देख रहे हैं कि आप मुंह उठा उठा कर आसमान की तरफ कैसे गिड़गड़ा गिड़गड़ा के दुआएं मांगते हैं। दुआएं रसूल ने मांगी, फलनवल्लियन्नका, तब्दील क़िबला की आयत, हम फेर देंगे क़िबले को, हम मोड़ देंगे क़िबले को। क़िबला किसे बनाएंगे? फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा वलसौफ युतीका रब्बुका फतरवा, वहां पे भी तर्जा लगा है, यहां पर भी तर्जा लगा हुआ है, हम क़िबला उसे बनाएंगे जो आपकी पसंद का होगा। क़िबला चेंज इसलिए हुआ कि रसूल की पसंद का अल्लाह को ख्याल करना था। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, मोहम्मद और न जाने क्या क्या अहकामात से, पूरी एक तफसील है, कहाँ कहाँ रज़ाए रसूल की खातिर अल्लाह ने काम किए हैं, अल्लाह ने अमली इकदामात किए हैं। दो मैंने अर्ज़ किए, तमहीद मेरी यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल हो गई। आखिरत में खुश करना रसूल को, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, दुनिया में खुश करना है रसूल को, फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा, दुनिया और आखिरत में रब की, अगर ये ताबीर दुरुस्त हो, ज़ीक ताबीर इसको कहते हैं हम लोग, तंगी है, अल्फाज की कमी है, मजबूरी है, यूँ कहिए, रब की सारी ख्वाहिश ये है, सारी कोशिश ये है, सारी काविश ये है कि मेरा रसूल राज़ी हो जाए, दुनिया में रसूल राज़ी रहे, आखिरत में रसूल राजी रहे। अब मैं क्या करूं कि रसूल ही के ये जुमले हैं, कुतुब में मौजूद हैं, अहादीस में मौजूद हैं, या फातिमा ला अरदा हत्ता तरदई, फातिमा मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक तुम राजी ना हो। अल्लाह रजाए रसूल की फिक्र में है, रसूल रजाए फातिमा की फिक्र में है।